हेलो दोस्तों, आज कोविड-19 से हम इतना डरे हुए हैं कि हम हल्के लक्षण, हल्का बुखार होने पर भी हम मेडिकल स्टोर से एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स को खरीद रहे हैं। ये एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स वायरस, बैक्टीरिया और फंगल से लड़ने के लिए काम में आती है, परंतु इनके अधिक उपयोग से बैक्टीरिया, वायरस और फंगस में ऐसी क्षमता विकसित हो चुकी है कि इन सामान्य दवाइयों का असर इन वायरस, बैक्टीरिया और फंगल के ऊपर नहीं हो रहा है। इस घटना को हम कहते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इसका नुकसान हमें ये हो रहा है कि दवाइयां हमारे शरीर के ऊपर असर नहीं कर रही है, हमें हाई डोज की आवश्यकता पड़ रही है। तीसरी व एक और बात, भविष्य में होने वाली बीमारियों के ऊपर हो सकता है दवाइयां असर ना करें। और एक और बात, इसमें सबसे बड़ा नुकसान, बीमारियों को पहचानने में भी कठिनाई हो रही है। तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें इससे बचने के लिए डॉक्टर की सलाह से ही दवाइयों का उपयोग करना चाहिए, जो आपके शरीर के लिए भी बढ़िया है और हमारे देश के लिए भी अच्छा रहेगा। थैंक यू।